हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, किसी भी वीडियो, किसी भी फनी वीडियो के शुरू में या बीच में या लास्ट में हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो किसी भी अपने फनी वीडियो या तो फिर कॉमेडी वीडियो या फिर वीडियो के लास्ट में या बीच में या शुरू में कहीं भी फनी साउंड इफेक्ट लगाना, तो आप किस तरीके से लगा पाओगे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हो कि अपने किसी भी वीडियो के बीच में हंसने वाला फनी मीम्स कैसे लगाएं, वीडियो के लास्ट में फनी मीम्स कैसे लगाएं, तो उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर आप किसी भी वीडियो, किसी भी फनी वीडियो के शुरू में या बीच में या लास्ट में आप फनी साउंड इफेक्ट हंसने वाला आप किस तरीके से लगा पाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब अपने किसी भी वीडियो या फनी वीडियो या कॉमेडी वीडियो के बीच में या लास्ट में फनी साउंड इफेक्ट लगाने के लिए, हंसने वाला साउंड इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप सभी को अपने फोन में जो है प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सर्च करना होगा दोस्तों एक एप्लीकेशन का नाम, जिनका नाम है दोस्तों VN, है ना। आप सभी को VN एप्लीकेशन जैसे ही सर्च कीजिएगा तो ये VN एप्लीकेशन आ जाएगा। इस VN एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि दोस्तों फ्री कॉपीराइट जो है फनी साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग VN एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके फाइल में जितना भी वीडियो होगा यहाँ पे आप सभी को शो कर जाएगा, यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, अपने उस वीडियो को ले लेना है जिस वीडियो के ऊपर आप हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे वीडियो पे इस सॉन्ग यूज है लेकिन सॉन्ग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है उसे कम कर देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम अपने वीडियो का जो वॉइस है वो बिल्कुल कम कर दिया हूँ, वॉल्यूम जो है कम कर दिया हूँ। अब हम लोग चाहते हैं कि इस वीडियो पे जो है हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट लगाने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है देखिए दोस्तों, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका वीडियो आ जाएगा, उनके बाद आप लोगों को अपने वीडियो को इस तरीके से स्क्रॉल कर लीजिएगा। आप अपने वीडियो के जिस पार्ट में, जिस पोजीशन में जो है हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, आप सभी को यहीं पर आप सभी को ये वाला जो लाइन है ना उस लाइन को ले आना है, ओके। उनके बाद यहाँ पर आप सभी को इस साइड में इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है म्यूजिक के लोगों के ऊपर। अब आपके सामने तीन ऑप्शन दिखेगा, म्यूजिक इफेक्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप सभी को म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। म्यूजिक के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको माई म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस फोल्डर पे अपने जो हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा म्यूजिक लाइब्रेरी में तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप सभी को जो फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है जो आपके फाइल में होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सुन लेते हैं, जो भी फनी साउंड इफेक्ट मुझे लगाना है उसे ले लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये वाला फनी साउंड इफेक्ट हम लोग अपने वीडियो, कॉमेडी वीडियो के ऊपर यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को यूज के ऊपर क्लिक कर देना है। यूज के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, देखिए दोस्तों, आप अपने वीडियो के ऊपर जो फनी साउंड इफेक्ट लगा रहे हैं उनका वॉल्यूम कितना रखना चाहते हैं दोस्तों, 50, 60, 70, 80, 90, 100, पूरा हाई रखना चाहते हैं या लो रखना चाहते हैं या मीडियम रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं 100 कर लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप ये सही वाले ऑप्शन जो है उनके ऊपर क्लिक कर देना, टिक के ऊपर। जैसे आप लोग इनके ऊपर क्लिक कर दे तो ये वाला साउंड इफेक्ट आपके वीडियो पे आ जाता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका जो फनी साउंड इफेक्ट है ये तो वीडियो में बिल्कुल पूरा लग गया है, तो उनके लिए क्या करना है देखिए दोस्तों, आप लोग जिस पोजीशन में देखिए यहाँ पे एक ग्राफ उठा उठा लग रहा होगा ना, ग्राफ देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ के हिसाब से आपको रहना होगा। आप ग्राफ का जैसे जैसे ग्राफ उठाए तो समझ लीजिए वहीं से हमारा
फनी साउंड इफेक्ट बोलने वाला हंसने वाला स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिना ग्राफ से आ चुके हैं, उनके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं, ये दो भाग में बट चुका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो है फर्स्ट वाला जो है सेकेंड में कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने साउंड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, उनके बाद यहाँ पे स्प्लिट पर क्लिक करके बीच वाला जो पोर्शन है हम डिलीट कर देते। ओके, डिलीट कर दिए। देखिए अभी आप सभी क्या करना है, अब आपको साउंड इफेक्ट पर क्लिक करना, कुछ इस तरीके से खींच लेना है। देखिए हम लोग कैसे ले आ रहे हैं, और उसी आप सभी को ले आना है। ले आने के बाद अब आपको ये लग रहा होगा कि पीछे वाला जो साउंड इफेक्ट हम लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या करना है, साउंड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, स्प्लिट पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट जो इसे डिलीट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आप चाहे तो इसे एडजस्ट कर लीजिए, पीछे की ओर ले जाइए, कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देते हैं, सुना कर दिखा देते हैं कि हमारे वीडियो के ऊपर जो है साउंड इफेक्ट लगा है या नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्ले करते हैं। तो देख सकते हो कि दोस्तों हमारे वीडियो के ऊपर जो है फनी साउंड इफेक्ट लग चुका है। तो दोस्तों आप सभी को दिख गया होगा कि हमारे वीडियो के ऊपर जो है फनी साउंड इफेक्ट लग चुका है, हमारे कॉमेडी वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट लग चुका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड जो सबसे लास्ट में आपको वीएन एप्लीकेशन का वाटरमार्क है उसे आपको कैसे डिलीट करना है। देखिए आपको वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है, यहाँ से वो डिलीट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए ये फनी साउंड इफेक्ट अपने वीडियो पर यूज करने के बाद, फनी साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपके वीडियो में जान आ जाता है, आपका वीडियो जो है लोग आपके वीडियो को ज़्यादा देरी तक देख है और उसे मजा भी आता है, ये लगाने का मतलब होता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग जो है इसे अपने गैलरी में कैसे सेव करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके गैलरी में सेव हो जाता है और डाउनलोड हो जाता है। अब बात आती है कि हम लोग इस फनी साउंड इफेक्ट बिल्कुल फ्री कॉपीराइट को हम कैसे डाउनलोड करेंगे बिना किसी कॉपीराइट के, जो आप लोग अपने वीडियो कॉमेडी वीडियो फनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाओगे। तो उनके लिए सबसे पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। जैसे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को फनी साउंड इफेक्ट दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री कॉपीराइट, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड कीजिए और आप लोग जो है अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया हूँ कि आप जो है किसी भी वीडियो, किसी भी फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो पर आप हंसने वाला फनी साउंड इफेक्ट कैसे इस्तेमाल कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों आप किसी भी वीडियो, किसी भी फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो के शुरू में या बीच में या लास्ट में आप फनी साउंड इफेक्ट किस तरीके से लगा पाओगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।